हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। बहुत सारे सब्सक्राइबर के क्वेश्चन आए थे जो सुहाना ग्रेवी आती है दोस्तों, देख सकते हैं बड़ी चार्जेस वाली। इसमें दो तीन वैरायटी आती है, जैसे काजू पनीर होगा, पनीर टिक्का होगा, बाद में चिकन बिरयानी मिक्स होगा, ये मटन कोल्हापुरी वेज होगा, ये मटन बिरयानी मिक्स होगा। इसके होलसेल प्राइस के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे तरफ माल आ चुका है दोस्तों, तो इसके रेट बताने से पहले एक बात आपसे करना चाहता हूँ दोस्तों। बहुत सारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि आपकी वीडियो की क्वालिटी, वॉइस की क्वालिटी इतनी खास नहीं दोस्तों, हम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बोल के यूट्यूब पे डेली वीडियो डालते, इस वजह से डालते कि जो हमारे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हमें वो भी वीडियो डेली देख पाए। हमारे तरफ कोई भी कैमरा नहीं शूट के लिए, वैसे माइक्स कोई भी यूज करते नहीं। आई होप आपका ऐसे सपोर्ट रहा तो आगे चल के वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी आएंगी, वॉइस की क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिली जाएंगी। वैसे जैसे हमें टाइम मिलता है, कस्टमर कम होते, वैसे हम वीडियो बना के डाल देते हैं आधे एक घंटे में आपके लिए दोस्तों। तो आने वाले दिनों में आपको आई होप क्वालिटी अच्छी मिल जाएंगी, आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो वॉइस की क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएंगी। चिकन बिरयानी मसाला देख सकते हैं आप दोस्तों, इसकी बात की जाए तो ये छे का पॉकेट आता है आपको 198 रूपये को, छे का पॉकेट आता है आपको 33 रूपये एक पूरी गिरती है इसके अंदर की। एमआरपी की बात की जाए तो 40 रूपये एमआरपी, एक पूरी के पीछे 7 रूपये प्रॉफिट आपको रह जाता है। बाद में इसकी आपकी ये काजू पनीर भी बात की जाए, काजू पनीर भी आपको 33 रूपये पूरी गिरती है इसके अंदर की, 198 रूपये पॉकेट गिरता है, एक पॉकेट 198 का है काजू पनीर का, इसमें 6 पॉकेट्स अवेलेबल है दोस्तों। तो लगभग सेम ही रेट आ जाते हैं दोस्तों। ये काजू पनीर होगा, पनीर टिक्का होगा, ये पनीर टिक्का है देख सकते हैं, शाही पनीर बोल के लिखा हुआ है इस पे। बाद में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी एक ही एमआरपी की आती है दोस्तों, लगभग रेट सेम ही। और कोई मसालों के वगैरह जानना चाहते बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आंडू के रेट जानना चाहते तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे सब्सक्राइबर क्वेश्चन करते हैं आप जो रेट बताते हैं उससे हमारे सिटी में कम है, कोई बोलता है ज्यादा है, तो दोस्तों ये 1-2 रूपये का डिफरेंस आपको हर सिटी वाइज देखने को मिल ही जाता है दोस्तों। ये जीएसटी की वजह से देखने को मिल जाता है, कुछ जगह ट्रांसपोर्ट की वजह से देखने को मिल जाता है, कुछ जगह कोई क्वांटिटी में माल लेता है, कोई कम क्वांटिटी में माल लेता है, इसलिए आपको रेट का डिफरेंस हर सिटी वाइज देखने को मिल ही जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती है जल्दी और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।